यूएफा यूरो 2024 का आगाज 15 जून से हो रहा है। इस बार जर्मनी टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस सीजन के पहले मैच में मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों का आमना सामना एलियंस एरिना म्यूनिक में होगा। फीफा वर्ल्ड कप के बाद यूरो सबसे बड़ा इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, जहाँ यूरो की टॉप 24 टीमें हिस्सा लेती हैं। आखिरी बार इटली ने यूरो कप जीता था और इस बार यूरो कप में इटली डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी। इटली ने यूरो 2020 जो कि 2021 में खेला गया था, उसके फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर पिछला टूर्नामेंट अपने नाम किया था। हालांकि उसके बाद इटली के लिए कुछ साल बेहतर नहीं गए थे। टीम फीफा वर्ल्ड कप में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी और क्वालिफायर्स में ही बाहर हो गई थी। इस टूर्नामेंट में टीमों को 6 ग्रुप में रखा गया है। सारे ग्रुप में से टॉप 2 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, यानी राउंड ऑफ 16 के लिए। वहीं बेस्ट टॉप 4 तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें राउंड ऑफ 16 में पहुंचेंगी। बता दें कि राउंड ऑफ 16 के मुकाबले 29 जुलाई से 2 जुलाई तक खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल्स 5 और 6 जुलाई, सेमीफाइनल्स 9 और 10 जुलाई को, वहीं फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। यूरो 2024 से पहले हमने सुनील छेत्री से एक्सक्लूसिवली बात की है टीमों को लेकर, टीमों की तैयारियों को लेकर। अगर आपने वो इंटरव्यू हमारे चैनल पर नहीं देखा तो आप वो भी जाके देख सकते हैं और अपनी राय भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस बार यूरो 2024 का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार कौन सी टीम होने वाली है। क्या वो फ्रांस होने वाली है या इंग्लैंड होने वाली है, क्या वो क्रोएशिया होने वाली है या क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल वो टीम होगी जो इस बार यूरो 2024 का खिताब अपने नाम करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यूरो 2024 से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरें और मैच रिपोर्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।